नमस्कार, खासखबर.com में आपका स्वागत है। मैं हूं पलक गुप्ता। न्यूज हेडलाइंस में सबसे पहले देखते हैं देश की खास खबरें। देश को पहली वाटर मेट्रो मिली। मोदी ने पहले डिजिटल साइंस पार्क की नींव रखी। केरल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। कर्नाटक में बोले अमित शाह, कांग्रेस भाजपा से आए हुए नेताओं के आधार पर चुनाव लड़ती है, यही बताता है कि आपकी पार्टी में दिवालियापन आ गया है। महिला रेसलर्स की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई। एफआईआर न करने पर दिल्ली पुलिस को नोटिस। पहलवान बोले, शिकायत वापस लेने का दबाव। कांग्रेस बोली, अदानी चीन पर चुप है मोदी, ये मन की नहीं मौन की बात। तमिलनाडु में रियल एस्टेट कंपनी पर आईटी रेड। राज्य बीजेपी चीफ ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना कहा, सीमा पर आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले पड़ोसी से जुड़ना मुश्किल। बिहार में पूर्व सांसद आनंद मोहन अब होंगे रिहा, सियासत गर्म। कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, मुस्लिम कोटा खत्म करने के फैसले पर नहीं की जाएगी कार्रवाई। यूपी पुलिस ने झांसी में गैंगस्टर अतीक अहमद के बेटे असद और उसके सहयोगी गुलाम का एनकाउंटर सीन किया रिक्रिएट। मुंबई में स्विमिंग पूल में 72 साल के शख्स पर कूदा युवक, बुजुर्ग की मौत। युवक पर लापरवाही से मौत का मामला दर्ज। आइए अब नजर डालते हैं राज्यों की प्रमुख खबरों पर। भरतपुर के कोतवाली थाना इलाके में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में लगी आग। कंप्यूटर और फाइलें जलकर हुई राख, कैश सुरक्षित। राजस्थान के भरतपुर में सैनी समाज के आंदोलनकारी ने फंदा लगाया। सुसाइड नोट में लिखा, 12% आरक्षण लेकर रहेंगे। राजस्थान में 1500 बदमाशों को पुलिस ने पकड़ा। 30 जिलों के एसपी ने एक साथ मारी रेड। हथियार और चोरी की गाड़ियां मिली। स्वायत्त शासन विभाग में फर्जीवाड़ा। अतिरिक्त मुख्य अभियंता पद पर फर्जी तरीके से दी नियुक्ति। उत्तर प्रदेश बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के नतीजे किए घोषित। ग्रेटर नोएडा में टोल कर्मियों और दबंगों के बीच मारपीट, 5 टोल कर्मी गिरफ्तार। आइए अब देखते हैं बॉलीवुड की खास खबरें। सास बहू और फ्लैमिंगो का ट्रेलर आउट, एक्शन का डबल डोज। जयपुर में सुष्मिता सेन ने शुरू की आर्या सीजन 3 की शूटिंग। विराट अनुष्का ने साथ खेला बैडमिंटन। ऑफिस के प्रमोशनल इवेंट में पहुंचे अनुष्का ने लोगों को एक्सरसाइज करने के लिए किया मोटिवेट। आइए अब नजर डालते हैं खेल जगत की प्रमुख खबरों पर। आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए अजिंक्य रहाणे टीम में शामिल। पेरिस 2024 ओलंपिक उद्घाटन समारोह के लिए किराए पर लिए जाएंगे 116 नाव। पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में न्यूजीलैंड टीम में मार्क चैपमैन शामिल। आइए अब आपको बताते हैं कारोबार जगत की प्रमुख खबरें। भारत लैटिन अमेरिका व्यापार $50 अरब का, एस जयशंकर। 2024 तक जोमेटो के लिए 1,00,000 ई स्कूटर तैनात करेगी जिप इलेक्ट्रिक। अयोध्या में शुरू होगा बायोडीजल प्रोजेक्ट। आइए अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की खास खबरें। सैन्य संबंध मजबूत बनाने के लिए चीन की यात्रा पर पाक सेना प्रमुख। सूडान के युद्धरत गुट 3 दिवसीय युद्ध विराम के लिए सहमत। पाकिस्तान बना एडीबी का सबसे बड़ा कर्जदार।
खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भी खबरें विस्तार से जानने के लिए हमारी वेबसाइट www.khaskhabar.com पर लॉगिन करें। नमस्कार।